भगत त्रिलोचन जी दर्शन देखन नामदेव भलके उठ त्रिलोचन आवै भगत करन मिल दोए जने नामदेव हर चलत सुनावै मेरी भी कर बेनती दर्शन देखा जे तिस भावै ठाकुर जी नू पुछियो उस दर्शन किवें त्रिलोचन पावै हस के ठाकुर बोलिया नामदेव नू कै समझावै हाथ न आवै भेट सो तुस त्रिलोचन मैं मोहलावै हौं अधीन हां भगत दे पहुंच ना हंगा भगती दावै होए विचोला आन मिलावै होए विचोला आन मिलावै। भाई साहब भाई गुरदास जी अपनी दसवीं वार की इस बारहवीं पौड़ी विच भगत त्रिलोचन जी दे जीवन के संबंध में वृतांत दस रहे ने कि त्रिलोचन नामे बाणिया जो भगत नामदेव जी का गुर भाई ते मित्र भी सी भगत नामदेव जी के दर्शन करन आया करदा सी दोवें जने मिलके प्रभु की प्रेमा भगती करते सन अते नामदेव जी प्रभु दियां चलत कहानियां हरी दी कथा सुनाया करते सन। त्रिलोचन जी ने आख्या कि हे नामदेव जी कृपा करो मैनू भी परमेश्वर जी के दर्शन करवाओ मेरी भी कर बेनती दर्शन देखा जे तिस भावै। उधर भगत नामदेव जी ने ठाकुर जी की मिन्नत की कि कृपा करो परमेश्वर जी को तरीका दसो विधि दसो जिस तरह त्रिलोचन भी आप जी के दर्शन पा सके। ठाकुर जी ने हस के आख्या और चंगी तरह समझाया कि हे नामदेव मेरा दीदार भेटा नाल हाथ नहीं आउंदा मैं त्रिलोचन नू प्रसन्न होकर दर्शन देवांगा मैं भगतां दे अधीन हाँ भगती दे दावियां नू पहुँच नहीं सकता भाव रद्द नहीं कर सकता जिन्हां दे विचोले परमेश्वर दे प्यार वाले संत जन होण ओह मेरा मिलाप जग्यासुआं नू करा दिंदे हन। भगत त्रिलोचन जी के संबंध में भी बहुता जीवन ब्यौरा नहीं मिलता संखेप रूप में इस तरह पता चलता है कि 1267 ईस्वी के इन्हों का जन्म होया। भगत नामदेव जी के समकाली सन। धन गुरु ग्रंथ साहब जी के भगत त्रिलोचन जी के चार शब्द हैं एक श्री राग विच दो शब्द गुजरी राग विच ते एक तनासरी राग विच। इन्हों का किता जो सी ओ बाणिया सी भाव व्यापार का किता सी वैश जाति नाल संबंध रखते सन। 1335 ईस्वी विच इन्हां ने परलोक गमन किया। भगत त्रिलोचन जी अते उन्हां दी पत्नी दोवें परमेश्वर प्यार वाले सन आए गए साधु संत अते महात्मावां दी सेवा करनी इन्हां दा कर्म सी। नामदेव जी अते त्रिलोचन जी दोवें बड़े गूढ़े मित्र सन। भगत कबीर जी के श्लोकों विच वी भगत त्रिलोचन जी का जिक्र आउंदा है कि भगत नामदेव जी नूं काम कार करदिआं भाव कपड़े रंगदिआं वेख के त्रिलोचन जी के मन विच एक दिन शंका आ गया अते वचन कीता कि नामा माया मोहिआ कहे त्रिलोचन मीत नामा माया मोहिआ कहे त्रिलोचन मीत काहे शीपो शायल है राम ना लावो चीत। ते फिर भगत नामदेव जी ने प्यार नाल उत्तर दिता नामा कह त्रिलोचना मुख ते राम संभाल हाथ पाऊं कर काम सब चीत निरंजन ना। एक त्रिलोचन भगत का वर्णन भगत धन्ना जी की साखी विच आपां कीता है यह भगत त्रिलोचन जी वह नहीं यह दूजे त्रिलोचन जी नामदेव जी के समकाली भगत होए हैं। भाई गुरदास जी ने त्रिलोचन जी नूं नामदेव जी के साथी होने का जिक्र किया है। तीर्थ यात्रा ते गुरु दीख्या भी दोनों प्रेमी भगतों ने इकट्ठिया ही प्राप्त की। त्रिलोचन जी अते उन्हां दी पत्नी
जिवें आपां पिछे वाच आए हैं कि साधु महात्मावां दी अभ्याकतां दी सेवा बड़े चाओ उमाह नाल करिया करदे सन। कामकार घर विच बहुत ज्यादा रहिंदा सी। भगत जी अते उहनां दी पत्नी ने संकल्प कीता कि जेकर एक नौकर रख लईए तां सेवा करन विच थोड़ी सौख हो जाएगी। भगतां दा संकल्प फुरदियां ही परमेश्वर जी एक नौकर दा रूप धार के गल विच पल्ला पा के सिर ते कपड़ा बन के मोढे कंबली रख के हाथ विच डंडा फड़ के एक सेवक दी आभा बना के भगत त्रिलोचन जी दे घर पुज गए। भगत त्रिलोचन जी दी पत्नी ने पुछ पड़ताल कीती। तद भगवान जी जो उस वेले एक नौकर दा रूप धार के आए हुए सन, एक सेवक दे रूप विच आए हुए सन, उन्हां वचन कीता कि मेरा माँ बाप कोई है नहीं, साधु महात्मावां दा सीत प्रसाद छक के पलिया हाँ, चौवां वर्णां दी रीत दा जाणू हाँ, महात्मावां दे घर रहिंदा सां, उन्हां दी सेवा करदा, मैनूं भुख बहुत लगदी है, मेरे शरीर विच आलस नहीं आउंदी, कामकार मैं सारा ही कर लैंदा, संतोख रखदा हाँ, मिस्सा बेहा भोजन खा के गुजारा कर लैंदा हाँ, बिना तनखाह दे भी नौकरी कर लैंदा हाँ, मेरा नाम अंतरयामी है, पर जदों किसी दा मन मैला वेखदा हाँ तो फिर मैं उत्थे टिकदा नहीं। त्रिलोचन जी की भोली इसत्री भगवान जी ने पहचान ना सकी, सारिया शर्तां मन लईयां। भगवान जी नौकर दे रूप विच भगत त्रिलोचन जी दे घर ठहर पए। भगत त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी नूं सुचेत कीता कि साधु सुभाव वाले नौकर नूं अपनी रसना तो कोई भैड़ा शब्द ना बोलनी, प्यार नाल घर विच रखना। नौकर सरूप विच भगवान जी नूं नवें वस्त्र सवा दित्ते। अंतरजामी नाम थले भगवान जी सेवक बन के भगत त्रिलोचन जी के घर आए हुए साधु महात्मावां की सेवा बड़े रीझ नाल करन लगे। जंगल विचों लकड़ां वढ के लियाउणियां, चौंका आदि धोणा, भांडे पानी नाल भरने, आटा पी देना, सारे काम बड़े उत्साह नाल करदे। खाण नूं जो मिल जांदा वह खा के आनंद करदे। काफ़ी समा लंघ गया। एक दिन अचनचेत भगत त्रिलोचन जी की पत्नी के मन में फुरना भुरिया कि अज नौकर नूं रजाउणा है। इस संकल्प दे नाल काफ़ी अन्न पका लिया ते नौकर सारा ही खा गया। वह भोली नहीं सी जानदी कि भगवान जी नूं संसार का सब पदार्थ खुआ के भी तृप्त नहीं किया जा सकता। भगवान जी का अंत लैना औखा है। सब देवते नेत नेत करके ही नमस्कारां करदे ने। भगत जी का घर प्रेमा भगती दे बंधन विच बज्जा होया है। प्रभु जी नौकर इसे भावना अधीन ही बन के आए हैं। करोड़ां देवते प्रभु जी के सन्मुख हाथ जोड़ के खड़े रहिंदे हैं। भगवान जी ने भोजन छका के बिना रजाया हार के घर छड के आप एक गुआंढण के घर अटेरन आदि लैन भगत त्रिलोचन जी की सुपत्नी चले गई। जदों गुआंढण ने त्रिलोचन जी तो दी पत्नी तो पुछया कि तू अज रही कि, तां त्रिलोचन जी की पत्नी ने आख दिता कि यह नौकर छटी का भुखा पता नहीं कितों आ गया, सारा अन्न खा के भी नहीं रजिया, मैं तो सवेर तो इनू रजाउण ही लगी हुई हाँ। ज्यों ही भगवान जी की निंदिया भगत जी की पत्नी ने की, तद अंतरजामी के रूप में भगवान जी जो उस घर सेवक के रूप में विचर रहे सन चुप चुपीते अलोप हो गए। जदों गुआंढण पासों उठ के भगत त्रिलोचन जी की पत्नी वापस अपने घर आई तो हैरान हुई कि घर के बूहे खुले पे हैं पर टहलुआ अंतरजामी घर नहीं। अंदर बाहर भाल कीती, आवाजा मारियां पर अंतरजामी जी ना लभे। जदों त्रिलोचन जी घर आए तद उन्हां नूं नौकर दे चले जाण बाबत दस्या। तद त्रिलोचन जी ने आख्या कि हे अभागण, तू जरूर ही अंतरजामी नौकर की निंदिया कीती होनी है, इस करके ही वह चले गए। त्रिलोचन भगत जी ने अपनी पत्नी नूं पुरातन युगां विच वापरियां घटनावां दा हवाला दे के उपदेश भी दिता है कि नारायण निंदस काए भूल गवारी, दुकिरत सुकिरत थारो करमरी रहाओ। अते गां जाके उन्हां बचन कीता, पूर्व लो कृत करम ना मिटै री कर गेहण, तांचे मोहे जापी अले राम चे नाम बदत त्रिलोचन राम जी। भाव कि हे स्त्री वेख, चंद्रमा नूं गौतम रिखी दा सराप लग गया। भावें वह चंद्रमा शिव जी दे मत्थे वसदा सी पर कलंक नहीं मिटदा। सूरज दे रथवाही अरुण ने बींडे दे पैर बन के सीख ते भवाया, जिस कर्म दा फल अरुण पिंगला हो गया। शिव जी नूं ब्रह्म हत्या लगी, भगवान विष्णु नूं भी कपाली नाम रूपी कलंक लगा। समुंदर सब हीरियां दी खान है पर हंकार करन करके खारेपन दा कलंक
लग गया। हनुमान रामचंद्र जी दे अत प्रेमी भगत सन। महात्मा वालों मिलिया कशौटी रूपी कलंक लगा ही रहा। सो मन विच करम दा हठ ना कर अते वाद विवाद विच पैण दी तां प्रभु जी दी प्रेमा भगती कर। जिस ते प्रभु जी मेहर करनगे तां सानू कर्मां दे गेट तों छुटकारा प्राप्त होवेगा। इवें त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी नू काफ़ी समझाया। उस दे अंदर भी परमेश्वर की प्रीत भावना उत्पन्न हुई। दोवें प्रेमी भगवान जी दे विछोड़े कारण व्याकुल होकर रोण लगे। भगवान जी वलों आकाशवाणी हुई कि भगत त्रिलोचन जी, जदों तुसी दोबारा कदी नौकर की लोड़ महसूस करोगे मैं हाजिर हो जावांगा। मैं तो प्रेमा भगती का खिचिया भगतां दे घरे आप ही चला जांदा हाँ। मैनू सद्दण की लोड़ ही नहीं पैंदी। मैनू पैसों ते होर पदार्थों की कोई इच्छा नहीं। भगत त्रिलोचन ने अपनी पत्नी नू आकाशवाणी राही प्राप्त होया ज्ञान, प्राप्त होया सुनेहा, प्राप्त होया हुक्म दसिया। तद होर भी बेबल हो गई ते पछतावे करन लगी कि हे भगवान जी, असी तुहानू नौकरी समझदे रहे, असी आप जी दे प्रेमा भगती दा राशी नहीं माण सके। भगवान जी, तुसी लंगर छकदे समय ना कर दिंदे तां आप जी दा विछोड़ा ना व्यापदा। भगवान जी ने धीरज नाल फिर आकाशवाणी दे रूप विच फरमाया, मैं भगतां दा ऋणी हाँ, तुहाडा ऋण भी मेरे सिर ते है। मैं भगतां दा प्रेम नाल दित्ता भोजन छड्ड नहीं सकदा। मैं तां भाव भगत दा भुखा हाँ। इवें अपने प्यारे भगतां नूं धीरज दित्ता। हे निजात्मा, वेख, मूर्खता कारण भगवान की निंदिया होई पर अपने भैड़े कर्मां की पहचान ना कर सकी भगत जी की पत्नी, जिस कारण प्रभु जी के विछोड़े का दुख झलना पिया। सो कदी भुल के भी परमेश्वर की जां उस दे प्यारे भगतां की निंदिया नहीं करनी। प्रेमा भगती करके ही सब सुखां की प्राप्ति संभव है। इसलिए तू भी परमेश्वर जी की प्रेमा भगती विच मगन हो।